नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा पड़ने जा रही है और हर बार ये तिथि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि मनुष्यों के पास सबसे अच्छा मौका होता है जब वह भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करके उनका साक्षात आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इसी दिन आषाढ़ का अंतिम सोमवार है और सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसीलिए इस सोमवार का अपने आप में विशेष और खास महत्व होगा। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का ये जो पावन दिन सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है, ऐसा शुभ योग पूरे 52 साल बाद आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। जिस दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ उस तरीके से करने जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का दुर्भाग्य, गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं तुरंत तुरंत खत्म जाती हैं और उसे माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू जाता हो जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा और सोमवार का दिन एक साथ है, तो अगर आप इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो मान चलिए भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपकी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी होती है। जैसे यदि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे तो आपकी नौकरी अब तक नहीं लगी हो, या फिर आप लंबे समय से जो बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई भी आपकी समस्या हो वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखिए, सोमवार के दिन गुरु पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है और आपको बता दे, इस दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें अमृत सिद्धि योग, गुरु योग, योगेंद्र योग, इंद्र योग जैसे कुल 21 योग होंगे। और अगर आप ये कुछ उपाय और क्रिया कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में आप कितने ही परेशान हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत में हो और कितना ही बड़ा संकट आपके ऊपर हो, हर प्रकार की दुविधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके बाद आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का महा उपाय है, और आप इस उपाय को सोमवार गुरु पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाती है। देखिए करना क्या है, गुरु पूर्णिमा और सोमवार के इस पवित्र और पावन दिन पर आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल भरना है। देखिए, गंगा जल आसानी से मिल जाता है। अब आपको 108 चावल दाने उस गंगा जल में डाल देना है। चावल बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को खंडित चीजें नहीं चढ़ाई जाती है। अब आपको एक दीपक लेना है और साथ में गाय के दूध से बना हुआ घी लेना है और इन चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल, जिसमें आपने 108 चावल के दाने डाले हैं, इसको आपको भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद वहीं पर आपको बैठकर के घी का दीपक जलाना है और 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना शिवलिंग के सामने बोलनी है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय जो कि आपको पूर्णिमा तिथि के दिन करना है, वह है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है या आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, जिस कारण आप बहुत ही ज्यादा निराश हो चुके हैं, तो समझ जाइए आपके ग्रह तारे राहु केतु आपके साथ नहीं है। और जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है, वह व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले, कितनी भी मेहनत करे, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और जिस व्यक्ति का राहु केतु का साथ देता है, वो गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से उसका फायदा पहुँचेगा। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, जो राहु केतु का नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है, और अगर आप भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ऋग्वेद की पुस्तक लेकर देखिएगा, उसके अध्याय नंबर 84 में साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों को सफेद चीजों का दान करना चाहिए।
सफेद चीजों का मतलब जैसे चावल हो गया, सफेद कुर्ता हो गया, मतलब कोई भी सफेद रंग चीज हो उसका आप किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुकों को दान करते हैं। तो मान के चलिए इससे आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देते हैं, और राहु केतु के साथ देने की वजह से आप जिस काम को शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है, आपके जीवन में आपकी उन्नति होती और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा उपाय, ग्रह कलेश दूर करने का महाउपाय, जो कि आपको पूर्णिमा तिथि के दिन करना है। देखिए, यदि आपके घर पर लड़ाई झगड़ा या ग्रह कलेश होता है, आपके घर के जो भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से लड़ते झांकते रहते हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और जिस घर में भी ऐसा माहौल होता है, जिस व्यक्ति का घर नकारात्मक शक्तियों से घिरा होता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उन्नति नहीं होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर के जितने सदस्य हैं वो आपस में अच्छे से रहे, तो आपको क्या करना है बहुत ही ध्यान से समझना। 3 जुलाई को पूर्णिमा और सोमवार है, तो आपको इस दिन एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भर देना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और उत्तर की तरफ मुंह करके एक लोटा जल शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। कर दिया, अर्पित करने के बाद जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो आपको वो जल किसी भी खाली पात्र में या बर्तन में ले लेना है और अपने घर जाने के बाद इस जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना है। बस ये उपाय अगर आपने इस दिन कर लिया, तो मान के चलिए आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। 4th उपाय और अंतिम उपाय, इस उपाय को विशेष तिथि और विशेष दिन पर करते हैं, जैसे सावन के पवित्र सोमवार पर या सावन महीने के अंतिम सोमवार पर या महाशिवरात्रि पर, तो आप इस उपाय को कहीं पर लिख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको गुरु पूर्णिमा के दिन एक पीतल की कटोरी लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ पीतल की कटोरी ही लेना है। उसके बाद उस कटोरी में आपको गंगाजल डाल देना है और साथ है आपको उसमें डालना है 1 रुपए का सिक्का। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। इसी पीतल कटोरी को ले जाकर कभी छत पर ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर थोड़ी चंद्रमा की रोशनी आती हो। अब आपको अगले दिन सुबह उठना है, उसी कटोरी को उठाकर और 1 रुपया के सिक्के को किसी भी लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। देखिए इससे क्या होता है, जब चंद्रमा की शीतल रोशन इस सिक्के पर और इस कटोरी पर पड़ती है, तो ये उस रोशनी को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे बाद ये एक चमत्कारिक सिक्का बन जाता है। उसके बाद माता लक्ष्मी जी आपके घर में धन का भंडारण कर देती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में 1 रुपया के सिक्के का बड़ा ही महत्व होता है, और यह उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे उस उपाय को जरूर करिएगा। धन्यवाद।